2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके परिपेक्ष में अनूपपुर जिले में चुनावी सभा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान जब ग्रामीणों से शासन की योजनाओं के बारे में पूछा गया तो ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक उनके गाँव में न बिजली है, न सड़क है और न ही उनको शासन की बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद नेताओं ने अधिकारियों को फटकार लगाई। अनूपपुर से ओमकार सिंह की रिपोर्ट। प्राधिकरण हमारे हिसाब से आज 10 साल के पहले तो नहीं हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा। अभी क्या क्या मिला है आपको? हमको तो घर मिल गया और नेड़ बंधान, बोल्डर वाल किसानों के लिए, किसान निधि पैसा और आपके क्या कहते हैं बाल बच्चों के लिए पैसा मिल रहा है। पानी के लिए क्या है? पानी के लिए घर घर नल जल हो गया। घर घर नल जल आपने जाके देखा है? हमने देखा है ना, और सब जाते हैं, अधिकारी लोग जाते हैं। तो ये बोला अंदाजी से दुआरी मारा तो पानी की व्यवस्था है, अभी आप जाके देखिए दोनों पानी मार इकट्ठी हो रही है। उन्हें के लिए तो बोला है लेकिन अब देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं आने वाले समय में। सर अभी तो बहुत दिनों से बाद पानी की व्यवस्था नहीं, हैंडपम्प है, हैंडपम्प से भी पानी निकलता नहीं है, भीड़ लगा रहता है।